आज की इस क्लास में कक्षा 9वीं विषय हिंदी का एक पेपर हम कंप्लीट करेंगे। तो इस पेपर में आपको कुछ ऐसे प्रश्न देखने को मिलेंगे जो आपको अच्छे अंक दिलवाने में काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और साथ में आप पूरा पेपर अच्छे से कंप्लीट ज़रूर करें। तो चलिए पहले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आपको इस तरह से निर्देशांक देखने को मिलेंगे। पहला प्रश्न आपका रहेगा सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो पहला प्रश्न है आपका, जो अपनी किस्मत रचते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें हम क्या कहेंगे? साहसी कहेंगे, जो क्या करते हैं, अपनी किस्मत स्वयं रचते हैं। अब दूसरा प्रश्न है आपका, निम्न में से विशेषण छांटिए। तो इसका आंसर रहेगा आपका गर्म गर्म। तो द नंबर वाला आपका इसमें राइट रहेगा। अगला है आपका वर्ण व का उच्चारण। तो इसका आंसर आपका रहेगा दंत प्लस ओष्ठ, यानी कि द नंबर का आपका राइट रहेगा। चौथा है आपका, विश्व का सबसे बड़ा अंतरिक्ष संस्थान नासा किस देश में है? तो इसका आंसर आएगा आपका अमेरिका। पांचवा है, एक दिन भुज का पाठ में लेखक किससे बात करता है? तो इसका आंसर आएगा आपका डायरी से। ब नंबर वाला आपका राइट रहेगा। छठा है, अब्राहम लिंकन ने पत्र किससे बात करता है? तो इसका आंसर आपका आएगा पुत्र के शिक्षक। स नंबर वाला आपका इसमें राइट रहेगा। अब अगला क्वेश्चन है आपका, रिक्त स्थान की पूर्ति उचित शब्द से कीजिए। तो इसका आंसर इसका पहला प्रश्न आपका रहेगा, दो शब्दों डेडेस के मेल को कहते हैं तो क्या कहेंगे? उसको हम संधि कहते हैं। दूसरा है, हेलन केलर ने 6 बार विश्व भ्रमण कर डेडेस रुपयों की राशि एकत्र की। तो इसका आंसर आपका आएगा करोड़ों। अगला प्रश्न है आपका, सतपुड़ा के घने जंगल यह कविता डेडेस ने लिखी है? तो किसने लिखी है? इसका आंसर आएगा आपका भवानी प्रसाद मिश्र। अगला है, लाभ शब्द का विलोम डेडेस है, तो लाभ का उल्टा क्या रहेगा हमारा? हानि। पांचवा है, बसावट शब्द में प्रत्यय डेडेस है, तो इसका आंसर आएगा आपका आवट। छठा है आपका, सूरज का डेडेस चारों ओर बिखरा हुआ है, तो क्या बिखरा हुआ है इसका? तेज इसका चारों ओर बिखरा हुआ है। तो ये आपका यहाँ पे दूसरा प्रश्न भी कंप्लीट हुआ। तीसरा प्रश्न है आपका, सही जोड़ी बनाकर लिखिए। तो तीसरे प्रश्न में आपको जोड़ी करनी है। पहली जोड़ी है आपकी पीर की मजार, तो इसका आंसर आएगा आपका सूफी संतों की दरगाह, ये आपकी पहली जोड़ी रहेगी। दूसरी जोड़ी है आपकी हेलन केलर, तो इसकी जोड़ी आएगी स्वलंबी महिला, ये दूसरी जोड़ी। तीसरी है रा के रूप, तो इसका आंसर आएगा आपका रेफ एक पदेन, ये तीसरी। चौथी जोड़ी रहेगी आपकी अनुस्वार की, तो इसका आ रहेगा। पांचवी है कारा चिन्ह, तो इसका आंसर आएगा आपका विभक्ति या परामर्श, तो ये आपकी पांचवी। और आकाश शून्य खगोल मंडल, तो इसका आएगा अंतरिक्ष, तो ये आपकी जोड़ी हो गई। और ये यहाँ पे आपका चौथा प्रश्न है, एक वाक्य में उत्तर आपको करने हैं। तो मैं पहले इनको भर देती हूँ ताकि आप अच्छे से इनका स्क्रीनशॉट लें और अच्छे से कंप्लीट कर सकें। तो ये आपका एक वाक्य के उत्तर मैंने भर दिए। मैं आपको एक बार यहाँ पे समझा देती हूँ। तो पहला है, अंतरिक्ष यात्री कौन होते हैं? तो पृथ्वी के वायुमंडल से ऊपर जाने वाले होते हैं ये अंतरिक्ष यात्री। दूसरा है, अगर सूरज ने ब्याह किए तो कितने पुत्र जन्माएगा? तो देखिए, अगर सूरज अगर शादी करेंगे तो कितने पुत्र को जन्मेंगे? 5 या 10 को वो जन्मेंगे। तीसरा है, मेहमान ने बड़ी रुचि से कौन कौन सी चीज़ें खाई? तो उन्होंने बड़ी रुचि के साथ क्या क्या चीज़ें खाई थी? तो भुजिया बर्फी लड्डू, ये सब इन्होंने बड़ी रुचि के साथ खाए। चौथा है, सीमा सुरक्षा के जवानों की कौन सी दौड़ करना था? तो रिले रेस दौड़ करना था। पांचवा है, हमें पानी कहाँ
कहाँ से प्राप्त होता है, तो हमें पानी कहाँ से प्राप्त होता है, नदियों में, झरनों में, बारिश के पानी में, इन सब से हमें पानी प्राप्त होता है। नदियों से, झरनों से और बारिश के पानी से हमें पानी प्राप्त होता है। और छठा है, पंडित अलाउद्दीन कौन थे, तो कौन थे, ये एक व्यापारी थे। तो ये आपका चौथा प्रश्न यहाँ पे कंप्लीट हुआ। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। ये आपका पांचवा प्रश्न है जिसमें सत्य सत्य करने हैं, तो इनके आंसर आप कंप्लीट कर ले और पूरे प्रश्नों को आप कंप्लीट अच्छे से जरूर कर ले, क्योंकि आपको इस पेपर से 50 अंक प्राप्त होने वाले हैं, तो प्रश्नों को कंप्लीट आप जरूर कर ले। चलिए जल्दी से हमारे छठे प्रश्न को भी हम पढ़ लेते हैं। तो छठा प्रश्न है, कंठ से उच्चारित होने वाले वर्ण लिखिए। और सातवां है, पर्यायवाची शब्द की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। आठवां है, पेड़ पौधे हमारे लिए किस प्रकार फायदेमंद है। नौवां है, कारक की परिभाषा उदाहरण सहित आपको लिखनी है। दसवां है, तत्सम अथवा तद्भव की अथवा तद्भव की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। ग्यारहवां है, अंतरिक्ष में यात्री कैसे चलते हैं और क्या खाते हैं। बारहवां है, पुराने जमाने में पत्र या संचार के कौन कौन से माध्यम थे। तेरहवां है, समास की परिभाषा उदाहरण सहित आपको बतानी है। चौदहवां है, आप अपने घर में किस प्रकार के अनुशासन का पालन करते हैं। पंद्रहवां है, सतपुड़ा के घने जंगल कविता की चार पंक्ति लिखिए। छठा है, मासिक वेतन को पूर्ण मासिक का चांद क्यों कहा गया है। और सत्रहवां है, जल के भीतर से वृद्ध मछली ने सभी जीव जंतुओं से क्या कहा। और ये आपका अठारहवां है, पत्नी, सांप, गुजिया, इन संज्ञा शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो ये आपके छठे से लगाकर अठारहवें तक दो दो नंबर के प्रश्न, सत्रहवें प्रश्न तक दो दो नंबर के हैं। और ये आपका अठारहवां 3 नंबर का है। और अगला प्रश्न है आपका ये यहाँ पे 19वां, आज सुबह से उठकर आपने क्या किया लिखिए। और 20वां, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग करना है। पहला है अंगूठा दिखाना, दूसरा है तिल का ताड़ बनाना। और 21वें प्रश्न में आपको निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों का उत्तर करना है, 4 नंबर का है। और 22वां है, अपने प्रचार को बुक बैंक से प्राप्त आपका 22वां है, अपने प्रचार्य को बुक बैंक से पुस्तक प्राप्त करने हैं तो आवेदन पत्र लिखना है, 4 नंबर का। और निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर आपको रूपरेखा सहित निबंध लिखना है। तो ये आपको इस वीडियो में मैंने 23 प्रश्न कंप्लीट कराए हैं। अच्छे से आपने स्क्रीनशॉट लिए होंगे, तो अच्छे से आप कंप्लीट जरूर कर ले। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही मैंने आपको बताए हैं, तो कंप्लीट